गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम क्लास फिफ्थ का जो मैथ सब्जेक्ट है उसकी एक्सरसाइज 4.4 करेंगे ये देखिए जो पूरी एक्सरसाइज है फोर्थ का जो चैप्टर है वो एच सी ए फॉर एल सी एम का है ठीक है और एच सी एफ और एल सी एम आपको करवा दिया गया था समझ में भी आ गया होगा तो 4.3 तक हमने एच सी ए फ एल सी एम ही निकाला और इस बार एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर में क्या है कि स्टेटमेंट वाले सवाल हैं लेकिन आपको निकालना क्या है वही एच सी एफ और एल सी एम ही निकालना है तो देखिए तो इसमें हम शुरू करते हैं फर्स्ट वन है फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि थ्री क्लॉक टाइम्स एट इंटरवल टेन फिफ्टीन एंड ट्वेंटी मिनट रेस्पेक्टली कि तीन घड़ियां हैं वो ये, आपके उसमें आवाज़ करते हैं अब एक तरह से एक साथ चलती हैं वो टिक टिक की आवाज़ 10 15 20 मिनट रेस्पेक्टली उनका टाइमिंग ये है द तो थ्री क्लॉक्स काइम टुगेदर फर्स्ट टाइम एट 12 लेकिन सभी का इतना गैप है 10 15 मिनट 10 15 20 मिनट का तीनों घड़ियों में लेकिन वो पहली बार 12 बजे जो है वो क्या बारह बजे एक साथ में आवाज़ करती हैं तो ये बताओ अगली बार वो एक साथ कब बजेंगी कि जो टक की जो आवाज़ होती है वो बारह बजे करती है तीनों घड़ियाँ एक साथ तो अगली बार वो एक साथ किस टाइम पर इकट्ठी करेंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं हमारे पास कितना है टेन फिफ्टीन और ट्वेंटी ये है हमारे पास तो हम इसका क्या निकालेंगे एस सिफ निकालेंगे देखिए आपका टू से सॉरी फाइव फिफ्टीन टेन अगेन टू से फाइफ फिफ्टीन फाइव नाउ थ्री से फाइव फाइव और फाइव और फाइव से वन 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 टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव कितना जेगा टू टू फोर फोर थ्री ट्वेल्व इंटू सिक्सटी सिक्सटी मिनट तो मतलब सिक्सटी मिनट के बाद वो हर सिक्सटी मिनट में वो एक साथ के आवाज एक साथ आवाज़ करती है तो इसका मतलब वो कब बजी थी मैं थ्री क्लॉक्स एट इज टू टून टून उसके बाद करेंगे नेक्स्ट विल आफ्टर सिक्सटी मिनट के बाद क्या होता है वन आवर सिक्सटी मिनट क्या होता है वन आवर तो इसमें वन में कर दिया इसका मतलब क्या एट वन पी एम इसका मतलब अगली बार वो एक बजे एक साथ बजेंगी आपके ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका टू क्वेश्चन नंबर टू क्या है फोर बेल्स टुगेदर रिंग्स टुगेदर अब इसमें क्या हो गया फोर बेल्स सेम वही है दे रिंग एट इंटरवल ऑफ टेंट टेन फाइव टेन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन नेक्स्ट ट्वेल्व एंड फिफ्टीन इतने सेकेंड है देखिए यहाँ मिनट था ये सेकेंड था इतने बाद बजती है वो तो हम इनको इकट्ठे ले लेते फिर से इनका एल्सियम निकालते हैं टू से शुरू करते हैं सबसे पहले टू से शुरू करते हैं फाइव सिक्स फिफ्टीन अगेन टू से ठीक है फाइव फाइव थ्री फिफ्टीन सेम रहेगा थ्री से फाइव फाइव वन फाइव नेक्स्ट फाइव से वन 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 और वन ठीक है तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू फाइव इजिकल टू सिक्सटी सेकेंड ठीक है सिक्सटी सेकेंड तो सिक्सटी सेकेंड क्या मैं, कितने बजे बोलती है ये आफ्टर वट टाइम दे विल रिंग इट सो है मतलब आल फोर वाच इज रिंग टूगेदर आफ्टर सिक्सटी सेकेंड सिक्सटी सेकेंड और सिक्सटी सेकेंड मीन्स वन मिनट मतलब प्रत्येक एक मिनट के बाद वो एक साथ बजेंगी सिक्सटी मिनट है यहाँ पे मिनट दिया देखो सिक्सटी सेकंड दिया तो सिक्सटी सेकंड क्या बनाती है एक मिनट बनाती है या तो आप ये कह सकते हो हर सिक्सटी सेकंड के बाद वो एक साथ बजेंगी फोर बेल्स या आप ये कह सकते हो प्रत्येक एक मिनट के बाद वो बजेंगी क्योंकि दोनों है ही सेम सेकंड और सिक्सटी सेकंड मेक्स वन मिनट ठीक है बेटा आगे समझ में आपको अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका थर्ड देखिए इसका क्या है ए फ्रूट सेलर अरेंज हिज एप्पल्स एग्जैक्टली इन द हीप ऑफ ट्वेल्व एटीन एंड थर्टीन एप्पल्स कि एक ऐसे ढेर में फ्रूट सेलर है वो अपना रेडी पे या उस पर फ्रूट्स की स्टॉल लगाता है जिसके सीक्वेंस है ट्वेल्व एटीन और थर्टीन एप्पल्स इनके फाइन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ एप्पल तो बताइए किस हीप में जो सबसे कम संख्याएँ होंगी वो बतानी आपको तो वही आपका क्या है ट्वेल्व एटीन और थर्टीन थर्टी एप्पल्स है तो इसका आप पैसिम ले लो आपका टू से शुरू करेंगे सिक्स नाइन फिफ्टीन अगेन टू से थ्री नाइन फिफ्टीन रहेगा फिर थ्री से वन थ्री फाइव अगेन थ्री से वन वन और ये फाइव का फाइव फाइव से वन वन और वन ठीक है अब इसको मल्टीप्लाई कर दो टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव टू टू जा फोर फोर थ्री जा 12 ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स इंटू फाइव इज इक्वल टू वन एटी एप्पल्स की जो सबसे कम स, जो संख्या सीक्वेंस की जो एप्पल्स की रहेगी वो वन एटी रहेगी कि इस प्रकार लेयर में होगी जो सबसे कम जो छोटी लेयर बनेगी उसमें कितने एप्पल होंगे वन एटी एप्पल्स होंगे देखिए इसी तरह आप इसका फोर्थ सम ले लीजिए आपका क्या कह रहा है द स्टूडेंट ऑफ स्कूल कैन भी अरेज इन द रो जैसे हम प्रेयर में बच्चों एक स्कूल है जिसमें प्रेयर में, में लाइन लगाते हैं ना वो उनका सीक्वेंस है टेन फिफ्टीन और सिक्सटीन स्टूडेंट इन ईच प्रत्येक रो में क्या है टेन फिफ्टीन और सिक्सटीन वाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट तो ये बताइए सबसे कम संख्या किस रो में होगी मतलब किस रो में जो कोई भी एक रो है उसमें सबसे कम संख्या को कि जो बच्चे होंगे वो कौन सी रो में होंगे और कितने होंगे वो बताना है मतलब एक जो कम रो है बच्चे कौन सी रो में कम है वो आपको बताना है कि जो एक रो सबसे स्मॉलेस्ट रो बच्चे किस रो में हैं आपको ये बताना है तो क्या हो गया टेन फिफ्टीन सिक्सटीन हमारे ये है टेन फिफ्टीन और सिक्सटीन चलिए इसका एल्शियम ले लेंगे वही टू से फाइव ठीक है फिफ्टीन और एट फिर टू से फाइव फिफ्टीन और फोर फिर टू से फाइव फिफ्टीन और टू अगेन टू से जब तक टू से डिवाइड होते रहेंगे तब तक हम टू से ही करेंगे ठीक यहाँ सॉरी वन आएगा फिर आएगा थ्री फाइव और फाइव फिर फाइव वन और वन अब इसको मल्टीप्लाई करें टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू वन टू थ्री फोर मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई बाई फाइव इनको लिख दीजिए टू टू जै फोर फोर टू ज़ा एट एट टू ज़ा सिक्सटी सिक्सटीन इन फोर्टी एट फोर्टी एट इंटू फाइव इज टू टू फोर्टी स्टूडेंट्स एक जो सबसे कम जो छोटी रो होगी वो हो उसमें होगी टू हंड्रेड फोर्टी स्टूडेंट्स होंगे ठीक है बेटा अब क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फाइव सभी सम्स ऐसे ही निकलेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस करनी है बाकी इन सवालों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं है मैं केवल फिफ्थ पांच तक कराऊंगा बाकी पांच सम आप स्वयं करेंगे इनको ठीक है इन ए सेपरेट टीम एक सेपरेट एक टीम है कोई उसमें सेपरेट स्टूडेंट फाइव सेवन और एट स्टूडेंट आर मेड फ्रॉम द स्टूडेंट ऑफ क्लास एक क्लास है उसमें से जो इस प्रकार की टीम बनाई जाती है फाइव सेवन और एट स्टूडेंट ठीक है टू स्टूडेंट आर लेफ्ट इन ईच केस प्रत्येक में दो को छोड़ दिया जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर द द्ट इज द स्मॉलेस्ट नंबर स्टूडेंट इन द क्लास तो इस क्लास में स्मॉलेस्ट नंबर बताइए क्या होगा फाइव सेवन और एट ठीक है ये है इसका एल्शियम निकालेंगे फाइव का वन पे जाएगा ये सब भी सॉरी टू से शुरू कर देते हैं हम टू से फाइव सेवन और फोर अगेन टू से फाइव सेवन और टू अगेन टू से फाइव सेवन वन अब फाइव से ठीक है वन सेवन और वन और सेवन से वन 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 ठीक है अब इनको मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई सेवन इज इक्वल टू आपका टू टू फोर फोर टू एट 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 इंटू फाइव अठम चालीस चालीस इंटू टू एट्टी देखिए टू एट्टी तो दु 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 आ ही गई है अब इसमें क्या दो बच्चे प्रत्येक केस में उन्होंने लेफ्ट किए थे तो वो भी तो प्लस करेंगे इसमें टू क्योंकि क्लास की तो हमें जो टोटल बच्चे वो बताने ठीक है टू लेफ्ट इन इस केस हर एक में लेफ्ट के थे तो आपका क्या 280, हो जाएगा 282 एटी टू स्टूडेंट्स होगी उस क्लास में जो इस्मा संख्या होगी वो तो इस प्रकार से मैंने आपको ये पांच समय करवा दिए हैं नेक्स्ट जो फाइव हैं आप स्वयं करेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे एस छोड़ सकते हो मैं बाकी के जो पाँच हैं वो आपको करवा दूँगा थैंक यू